सो फाइनली आज है हमारा डे 15 ऑफ 15 डेज मेकअप चैलेंज और आज के चैलेंज में मैं आपको एक्सेसिव ड्राई स्किन पे मेकअप कैसे करना है वो सिखाने वाली हूँ साथ ही ये जो स्क्रीन पे आप ब्यूटीफुल सा एडवांस कलरफुल आई मेकअप देख रहे हो ना वो इतना इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि आप बोलोगे अरे यार ये तो इतना ईजी था सो so उसके लिए आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जितने भी लोग ये चैलेंज कर रहे हैं प्लीज वीडियो को थोड़ा ध्यान से क्योंकि एक सरप्राइज टास्क है आप सभी के लिए इस वीडियो में सो so, हम जो स्किन कर रहे हैं वो ड्राई स्किन के हिसाब से कर रहे हैं सबसे पहले मैंने क्लिनिंग किया टोनर किया मैं पे मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर हमने थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में अप्लाई की है जो मॉइस्चराइजर मैंने यूज किया वो एम्ब्रॉलिस का है और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर प्राइमर जो मैं हमेशा यूज करती हूँ बस वही वाला प्राइमर यूज एंड सभी प्रोडक्ट को अच्छे से सेट होने का टाइम दीजिएगा नहीं तो मेकअप पैची हो जाएगा अब हम एक ग्लॉसी मेकअप कर रहे हैं जिसके लिए मैं यूज कर रही ये ओजी का इल्यूमिनेटर जिसे लिक्विड इटर भी हम बोल सकते हैं तो ये सिर्फ मैं फेस के हाईलाइटिंग एरिया पे यूज कर रही ड्राई स्किन का कंसर्न क्या होता है मुझे तो ग्लो चाहिए फेस पे मेरा मेकअप जो है वो एकदम ग्लॉसी होना चाहिए शाइनी होना चाहिए तो वही मैं फॉलो कर रही हूँ उसके बाद अब मैं लगाने वाली हूँ डायरेक्टली हमारा कंसीलर क्योंकि थोड़ा सा अंडर आईस पे प्रॉब्लम है और माउथ के एरिया पे डार्कनेस था तो जब भी आप ड्राई स्किन पे मेकअप कर रहे हैं हमेशा याद रहे कि आपको क्रीम बेस्ड फाउंडेशन का इस्तेमाल ज्यादा करना है जितना आप क्रीम बेस यूज करोगे उतना आपके मेकअप में ग्लोसीनेस भी आएगा और शाइन भी आएगी और मैं यहाँ पे फिंगर से अप्लाई करी हूं ताकि क्वांटिटी ज्यादा ना लगे और आज जो मेकअप करें वो एक एच मेकअप होने वाला है सो so... एच डी मेकअप में थोड़ा सा लेयरिंग होता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ उसके बाद हम इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे जो भी आप फाउंडेशन अप्लाई करो सबसे बेस्ट अगर मैं ड्राई स्किन के लिए फाउंडेशन बोलू तो क्रायलॉन सुपरा से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता मैं यहाँ पे क्राइलॉन सुपरा और मेकअप स्टूडियो दोनों मिक्स करके लगा रही हूँ एंड जितने भी लोग टास्क कर रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहूंगी कि आप लोगों का जो फाइनल टास्क है वो ये है कि आपको वीडियो बाइट में मेरे साथ शेयर करना है कि आपका ये फिफ्टीन डेज मेकअप चैलेंज का एक्सपीरियंस कैसा रहा क्या अपडाउन मुझे आप ही की कहानी आपकी जुबानी सुननी है तो आपको एक वीडियो बाइट शूट करना है इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल के मुझे टैग करना है बिल्कुल भी ये टास्क आप मिस मत करिएगा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको वीडियो बाइट बनानी है और उस वीडियो बाइट को टैग करना है और आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है सो मैं आप सभी के वीडियो बाइट का इंतजार करूंगी अब मैंने इनके स्किन पे हल्का सा एयरब्रश दिया है ताकि जो मेकअप है वो नेचुरल लगे हमने काफी ज्यादा लेयरिंग करी थी तो मैं कभी कभी ऐसे होता है बहुत ज्यादा लेयरिंग होती है तो मैं ऊपर से एयरब्रश देती हूँ जिससे मेकअप थोड़ा सेटल लगता है देन मैं यहाँ पे करी हूँ कॉन्टोर और जो कॉन्टोर में कर रही हूँ वो क्रीम काउंटर है क्योंकि स्किन पे क्रीम काउंटर से अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता और साथ ही मुझे थोड़ा सा हेवी कॉन्टोर लुक चाहिए था इसीलिए भी मैं क्रीम काउंटर का इस्तेमाल कर रही हूँ एंड वन मोर थिंग आइज अगर आप ये चैलेंज आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं यानी कि आप आगे और इस तरीके के चैलेंज चाहते हैं तो अगर इस वीडियो पे एक हजार प्लस कॉमेंट हो गए तो मैं जल्द ही पांच से सात दिन में या दस दिन में एक नया चैलेंज लॉन्च करूंगी आप लोगों के लिए वो इससे थोड़ा अलग होगा सो देखते हैं हम थाउजेंड कॉमेंट पहुंच पाते हैं या नहीं अब यहाँ पे मैंने हाईलाइटर लगा दिया अब मैं आई मेकअप शुरू करने जा रही हूँ सो आई मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है आईब्रो डिफाइनिंग आईब्रो डिफाइनिंग के लिए मैं पोमेड यूज करी हूं एनास्ताशिया का डार्क ब्राउन उसके बाद क्योंकि हम कलरफुल आई मेकअप करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे व्हाइट बेस का यूज करूँ तो ये जो व्हाइट बेस है वो पीके सी का है और जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है एक ही लिंक डाली हुई है वहां पे आपको ये सभी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे व्हाइट बेस लगाने के बाद हम इसे अच्छे से करेंगे ब्लेंड लेट ब्लेंड ब्लेंड जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतने अच्छे से आपके आई के कलर इसके ऊपर अप्लाई होंगे अब सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक कलर का आई शेडो जिसे मैंने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया है और ब्लेंडिंग का खास ध्यान रहे जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होंगी उतना अच्छा आपका आई मेकअप खेलेगा दिखेगा अब ब्लेंडिंग अच्छी होने के लिए क्या करे भी आपका सवाल होगा तो एक ही जवाब है मेरे पास आप लोगों के लिए प्लीज प्रैक्टिस जैसे ये डेज चैलेंज में आपने प्रैक्टिस की ना एकदम जम के बस वैसे ही ऐसा नहीं कि पंद्रह दिन खत्म हो गए तो बस हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्लीज कंटिन्यू करिएगा अब इसको एडवांस बनाने के लिए मैं कटकरीज बनाने वाली हूँ क्योंकि कटक्रीज से आंखें बड़ी दी कटक्रीज बनाने के लिए आप फाउंडेशन या कंसीलर का यूज कर सकते हो वाइट बेस का भी यूज कर सकते हो मुझे

पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं अब कटकीज बनाने के बाद मैं यहाँ पे ब्लू कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पे क्योंकि ब्लू कलर बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है फिर हमने फॉलो किया है लाइट ब्लू एंड यहाँ पे मैंने यूज किया है येलो कलर का आई शेडो अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हो जब हम एक येलो कलर और ब्लू कलर को मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बनता है कॉमन डाउन एंड लेट मी नो सो पे बहुत सारे यू नो कलरफुल आई मेकअप बट हालांकि अगर इस कलरफुल आई मेकअप को आप आराम से और अच्छे से देखो तो ये बहुत ईजी है अब मैं एक ग्लिटर लाइनर बना रही हूँ क्योंकि ग्लिटर लाइनर से कटकरीज में और भी ज्यादा उठा हुआ है ये ग्लिटर लाइनर आपको एग्जिक कटक्रीज वाली लाइन पे ही देना है उसके बाद मैंने मेरा सिग्नेचर काजल यानी कि ट्रकोइस कलर का काजल अप्लाई किया और मैं यहाँ पे अप्लाई करी हूँ विंग आई लाइनर जिससे आंखें और भी ज्यादा लगेगी अब इस आई मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लोअर लेस लाइन वाला क्योंकि आज हम डबल विंग लाइनर भी करने वाले हैं so, विंग के लिए विंग और उसके बाद जैसे मैं कर रही हूँ ब्लेंड भी कर रही हूँ तभी आपका परफेक्ट हो सकता है जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करें जितनी so, अच्छी प्रैक्टिस उतना अच्छा मेकअप सो मैंने लोवर लेस लाइन पे भी दो डिफरेंट आई शेडो के कलर्स लिए हैं ग्रीन और ब्लू और उससे और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है वैसे सच तो आज मेरी आवाज थोड़ी सी अलग आपको लगी होगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ बट चैलेंज तो चैलेंज है भाई आपके लिए चैलेंज है तो मेरे लिए भी तो चैलेंज है बट मैंने भी ये चैलेंज बहुत इंजॉय किया अब हमें लैशेस लगानी है तो उसके पहले अच्छे से को कर्ल कर लीजिए मस्कारा अप्लाई कर दीजिए और देन लैशेस लगाइए इससे आपकी आई बहुत सुंदर तरीके से लगेगी जो आई लैश लगाने वाली हूँ वो है एनएक्स कॉस्मेटिक नंबर जीरो ये लैशेस आपको लिंक पे मिल जाएगी एंड जो हमने डबल विंग बनाया था उस उसपे भी मैंने ग्लिटर लाइनर लगा दिया है एंड फाइनली लैशेस में अप्लाई अप्लाई कर करने के लिए अगर आप एक अच्छा ग्लू ढूंढ रहे हैं तो मिस क्लेयर का ग्लू बहुत ज्यादा अच्छा है मैंने पर्सनली यूज किया है इट्स रियली वेरी गुड फिर मैंने ब्रोबोन हाईलाइट कर लिया है लोअर लैश लाइन पे हम अच्छे से मस्कारा लगा दे रहे हैं अब आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइए कि आपको बेस मेकअप ज्यादा अच्छा लग रहा है या आई मेकअप और ये मुझे बताना की ईजी लगा कि नहीं लगा फिर मैं यहाँ पे लिपस्टिक करी हूँ मैंने सोचा की यार इतना सारा हैवी आई मेकअप है तो लिपस्टिक तो न्यूड ही होनी चाहिए तो मैं यहाँ पे न्यूड लिपस्टिक अपलाई करी हूँ और न्यूड लिपस्टिक तो मेरी फेवरेट कौन सी है वो मैं ऑलरेडी सभी वीडियो में बता चुकी हूँ तो वही सेम लिपस्टिक मैं अप्लाई अपलाई करू एंड डोंट फैसल गाइज अगर आप ये चैलेंज कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी इस वीडियो पे आपको थाउजेंड कॉमेंट रीच करवानी है यही पे आज का वीडियो खत्म होता है आई लव यू ऑल बहुत अच्छे से आपने चैलेंज किया एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एक अलग ही हौसला आता है और भी मेकअप वीडियो पोस्ट करने का सो so, मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊंगी एक नया वीडियो इससे भी अच्छा इससे भी बेहतरीन तब तक तो के लिए प्रैक्टिस करते रहो काम करते रहो एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनो थैंक यू सो मच